प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरू हुई थी? सर सडन हुआ, मैं ऐसा लेटा था तो जब उठा कोई ऐसा लगा जैसे मेरे इधर बैक साइड में पेन बहुत ज़्यादा और नीचे तक जा रहा है। आयुर्वेदिक दवाई करी, लेकिन पहले भी करी थी, उससे इतना फायदा हुआ बस मैं चल पा रहा था। 3 डॉक्टर दिखा दिया, उन्होंने तो ऑपरेशन तो सजेस्ट करा था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। उसके बाद जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा नहीं नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ही सही हो जाऊंगा मैं। तो दवाई से मैं 80% तकरीबन ठीक हो गया था। फिर आपसे मुलाकात हुई तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब 80% 90% मेरा रिलीफ है। जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा था, इतना पेन था। अभी चल पा रहे हैं तो दौड़ लेंगे सर। सबसे अच्छी बात सर ये है कि सेटिस्फाई करते हैं पेशेंट को, बहुत बड़ी चीज़ है सेटिस्फेक्शन सर। टाइम देते हैं, ये नहीं कि 5 मिनट देगा और चले, टाइम देते हैं चाहे कैसे है पेशेंट। तो मेरे पेशेंट हैं नज़म जी, आप कहाँ रहते हो सर? सर रामपुर यूपी। रामपुर, रामपुर से आते हैं जी। मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरू हुई थी? सर सडन हुआ, मैं ऐसा लेटा था तो जब उठा कोई ऐसा लगा जैसे मेरे इधर बैक साइड में पेन बहुत ज़्यादा और नीचे तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है जी। तो इसका मतलब काफ़ी दिन रहा, फिर वो मैंने एक आयुर्वेदिक दवाई करी, लेकिन पहले भी करी थी, उससे इतना फ़ायदा हुआ बस मैं चल पा रहा था। ठीक है। उसके आगे जो है फिर पेन ऐसे के ऐसे ही था, पैर में था जी, पैर में था और नीचे तक घुटने तक पूरा जा रहा था जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने एक बरेली में दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने ऑपरेशन का, जब उन्होंने MRI कराया पहले, फिर ऑपरेशन बोले, फिर उन्होंने दिल्ली में एक जगह रेफर करा, सीनियर डॉक्टर हैं तो सर उनको भी दिखाया, बहुत थोड़ा टाइम उन्होंने दिया लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। उसके बाद फिर सर से मुलाकात हुई, फिर आप मेरे पास आए जी। तो बहुत ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर को दिखा चुके थे, 3 डॉक्टर तो 3 डॉक्टर दिखा दिया, उन्होंने तो ऑपरेशन बता दिया था, सजेस्ट करा था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा नहीं नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाई से ही सही हो जाऊंगा मैं। ठीक है। तो दवाई से मैं 80% तकरीबन ठीक हो गया था। अभी कितने दिन हुए दवाई लेते हुए सर? सर आपका सितंबर या अक्टूबर से चल रहा है, इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक हो गया था, लेकिन एक फरवरी में फिर से एक बार मेरा पेन आया था जी, बढ़ गया था, तो फिर दवाई दी मैंने। आप थे नहीं उस दिन, आप बाहर थे। उसके बाद फिर मैं इमरजेंसी में बरेली गया, तो वहां पे भी डॉक्टर ने फिर MRI कराया, बोले आपको तो होना ही होना है ऑपरेशन, इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको कराना ही है, सर्जरी होगी, सर्जरी होगी होगी। फिर आप मेरे पास आए, फिर आप आ गए, तो फिर आपसे मुलाकात हुई तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब 80% 90% मेरा रिलीफ है, रिलीफ है बिल्कुल बिल्कुल। दवाई लेते, जबकि मेरे ख्याल से इस बार दवाई देते हुए 1 महीना ही हुआ है, 5th या 6th फरवरी में आपसे मुलाकात हुई। हाँ, तो मतलब एक एग्जैक्ट 1 महीना, 5-5 है, तो मतलब 80% रिलीफ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अब तो आपको नहीं लग रहा कि सर नहीं नहीं नहीं, आपने जो है अभी बता दी, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। एग्जैक्टली तो सर, जैसे पहले जब आए थे तब चलने में दिक्कत हो रही थी, बहुत पेन हुआ सर, वैसा था जमीन पे पैर नहीं रखा जा रहा था, इतना पेन, इतना दर्द था। अभी चल पा रहे हैं तो दौड़ लेंगे सर, दौड़ लेंगे बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये वीडियो बनाने का भी यही है कि लोगों को पता चले कि सबकी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सर बिल्कुल मोटिवेट होता है। और सर्जरी मतलब सर सर्जरी नाम ही डरावना है, तो अगर सर्जरी बच सकती है और दवाई दे के कोशिश करी जाए तो जैसे नजम जी ठीक हुए हैं बिल्कुल सर, वैसे कोई भी हो सकता है सर, बिल्कुल। तो आपको कॉन्फिडेंस लगता है? बिल्कुल सर, आपसे मिलके तो वैसे भी। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि सेटिस्फाई करते हैं पेशेंट को, बहुत बड़ी चीज है सेटिस्फेक्शन सर। टाइम देते हैं, ये नहीं कि 5 मिनट देगा और चले, टाइम देते हैं चाहे कैसे ही पेशेंट हो। सर मेरे ख्याल से मेरी जिम्मेदारी भी यही है बिल्कुल, एक डॉक्टर के पास सर, आप इतनी दूर से रामपुर से सर नोएडा तक 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर कोई इंसान आया है किसी विश्वास के साथ आया है, उनको देखना, उनको अच्छी तरह समझना बिल्कुल, और सही इलाज देना एक्चुअली मेरी ड्यूटी भी है और ये इंपॉर्टेंट है। और शायद ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। बिल्कुल सर, ऊपर वाले का ही साथ करते हैं। और सर अल्लाह मियां ने सब कर दिया, आपको बनाया और करम तो उसी ने कर दिया सब कुछ। तो कांग्रेचुलेशंस सर, ठीक हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू।